देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर दो मोबाइल नंबर दो डालेंगे दोनों आपको ऐसे, इसके बाद यहाँ से बोला जाता है फिर जो आपका डिवाइस का ब्रांड क्या है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस जितने भी ब्रांड है काफी सारे ब्रांडों से देख सकते हैं, बताया जा रहा है लॉस इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके मोबाइल कहाँ से लॉस हुआ, तो आपको सबसे पहले लॉस्ट का प्लेस क्या है, इसके बाद डेट कौन सी है और कब यहाँ से ये लॉस हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड आपसे पूछा जाएगा स्टेट के बारे में, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से फ्रेंड आप बिलोंग करेंगे उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आज के डेट में फ्रेंड हर किसी इंसान के पास एक स्मार्टफोन होता है, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं किसी स्मार्टफोन में ही देख रहे हैं, अगर फ्रेंड आपका स्मार्टफोन खुदा न खास्ता चोरी हो जाता है तो उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं जिस भी फ़ोन से लिए उसकी बिल को इकट्ठा करते हैं, फिर जाके आप कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट में भी आपको कई टाइप्स के फॉर्म को फिल करना रहता है, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर फ्रेंड आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड अब एक खुशखबरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, ना तो किसी के पास थाने में जाकर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, ना फ्रेंड आपको कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ही उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको इसमें डिटेल फिल करनी रहती है जिसमें आपका ईएमआई नंबर, फ़ोन आपका कहाँ से चोरी हुआ है एंड अदर डिटेल फिल करने के बाद फ्रेंड आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्मार्टफोन मिल जाता है फिर उस कंप्लेंट को आप वापस भी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीका दिखाया हुआ है, कैसे आप कंप्लेंट करेंगे अपने स्मार्टफोन मिलने तक, स्मार्टफोन को आप ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्मार्टफोन मिल जाता है आप उसे अनब्लॉक करके कंप्लेंट को वापस ले सकते हैं। सो गाइस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाया हुआ है, तो चलिए जानते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे फिर तो इस साइड में आप ओपन होकर आ जाएंगे, जो कि यहाँ से देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन किसकी ऑफिशियल साइट है, या तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है CEIR.gov.in सेंट्रल इंक्वायरी, यहाँ से इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनमें देख सकते हैं क्या से आप कैसे वर्क करता है इसके बारे में यहाँ से बताया गया। और अगर आप चाहें तो यहीं से अपन लैंग्वेज को भी चेंज करना चाहें तो यहीं से एक ऑप्शन मिलता है भाषा का, आप इस पर क्लिक करके हिंदी भाषा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ना यो यानी यहाँ मोबाइल के बारे में बताया जाएगा, जहाँ से ईएमआई नंबर आपको टाइप करना रहेगा, अगर ईएमआई नंबर नहीं मालूम है फिर तो आपको यहाँ से *#06# डायल करना है तो आपके सामने ईएमआई नंबर आ जाएगा। नीचे आएंगे फिर तो क्लियर कब लॉन्च किया गया था उसके बारे में बताया गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यानी केयर क्या है कैसे वर्क करता है, आप यहां से आके रीड कर सकते हैं सबसे पहले यहां से ऑनलाइन कंप्लेंट करने से पहले। अब फिर यहां से बात आती है कंप्लेंट करने के लिए, अगर आपका मोबाइल गुम जाता है या फिर चोरी हो जाता है आप उसे ब्लॉक करने के लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं बताया गया है जहाँ से मैं आपको दिखाऊं ब्लॉक यहाँ से स्टोलन एनी लॉस्ट मोबाइल, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से यहीं से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जहाँ से देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ से मांगी जाती है, जिनमें आप मोबाइल की जानकारी देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर दो मोबाइल नंबर दो डालेंगे दोनों आपको यहाँ से ईएमआई नंबर फिल करना है, इसके बाद यहाँ से बोला जाता है फ्रेंड जो आपका डिवाइस का ब्रांड क्या है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस जितने भी ब्रांड है काफी सारे ब्रांडों की लिस्ट आ जाएगी, तो जिस भी ब्रांड की आपको डिवाइस है आपको यहाँ से ब्रांड उसको सेलेक्ट कर लेना है। जब फ्रेंड आप यहां से ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे डिवाइस का मॉडल आपको यहां से टाइप करना है, इसके बाद फ्रेंड आपको यहां से जो रसीद खरीदते समय मिलती है अगर आपके पास वो फोटो है तो आपको उसको यहां से अपलोड कर देना है। नीचे आएंगे तो बोला जा रहा है मोबाइल से संबंधित जानकारी, तो आपको यहां से मोबाइल से संबंधित जानकारी देना पड़ेगा, तो इसमें क्या क्या चीजें देना रहेगा फ्रेंड उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं बताया जा रहा है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके मोबाइल कहाँ से लॉस हुआ, तो सबसे पहले लॉस्ट का प्लेस क्या है, इसके बाद डेट कौन सी है और कब यहाँ से ये लॉस हुआ है और कितने बजे यहाँ से आपका मोबाइल गुम हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड आपसे पूछा जाएगा स्टेट के बारे में, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से फ्रेंड आप बिलोंग करेंगे उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जब तक आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तभी आप यहाँ से पुलिस स्टेशन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, काफी सारे पुलिस स्टेशन की आपको यहाँ से लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी, इन्हीं में से आप आके सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कई सारे आपको यहाँ से नाम भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट का नंबर, आपने पुलिस में कंप्लेंट किया हुआ है तो उसका नंबर क्या है वो नंबर आपको यहाँ से फिल करना है, तो पुलिस कंप्लेंट का नंबर आपको यहाँ से फिल करना है एंड डॉक्यूमेंट के टॉप से उसे अपलोड भी करना है, जो भी आप पुलिस पीडीएफ के तौर पे आपको यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आप उसे सेव करके रखेंगे उसको आपको यहाँ से आके अपलोड करना है। फिर यहाँ से मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी, यानी आपका मोबाइल अगर मिल जाता है तो आपको कहाँ रिटर्न करेंगे, कैसे आपसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी रहती है। तो सबसे पहले जो फोन का ऑनर है उनका नाम यहाँ से रहेगा, इसके बाद ऑनर का फुल एड्रेस यहाँ से दिया जाता है, इसके बाद फिर अपलोड आइडेंटिटी यानी जो आपके पास आइडेंटिटी हो उसको आपको यहाँ से अपलोड करने की जरूरत है। इसके बाद फिर यहाँ से जो भी आप यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड देंगे, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अदर आइडेंटिटी कार्ड आप देना चाहे
तो भी यहाँ से देख सकते हैं। जिनका भी आप यहाँ से जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आप रखेंगे उसे यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आधार कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आइडेंटी कार्ड, उसको आपको यहाँ से नंबर फिल करना है। एक फ्रेंड ईमेल आईडी आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये, यहाँ से फ्रेंड आपको कंपलसरी नहीं है। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है एंड कैप्चा फिल करेंगे फ्रेंड, इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ से दिए रहेंगे उस नंबर में ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डाल के फ्रेंड वेरीफाई करेंगे एंड इस बॉक्स को टिक लगाएंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कंप्लेंट रहेगी वो आपकी कंप्लेंट यहाँ से दर्ज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगा, जो आपका नंबर रहेगा अपनी मोबाइल नंबर और यहाँ से जो मोबाइल रहेगा वो दोनों चीजें यहाँ से ब्लॉक कर दी जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार आप देख सकते हैं कुछ चीजें यहाँ से बताएगी फ्रेंड। जैसे देख सकते बताएगा करंटली ऑपरेशनल फॉर महाराष्ट्र सब्सक्राइब एनी लॉ ऑफ स्टोन, यहाँ से कितना बताया दिल्ली का चालू किया गया, कर्नाटक में भी चालू है, तो इस चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर फ्रेंड आपका फोन यहाँ से ब्लॉक रह जाता है और फिर बाद में आपका फोन यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से आप जैसे कंप्लेंट करें, कंप्लेंट द्वारा आपको फोन को रिटर्न कर दिया जाता है, फिर आपको यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यहीं से देख सकते हैं ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, यानी आपकी मोबाइल मिल चुकी है, आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट आईडी नंबर डालनी पड़ेगी, जो आपने आईडी नंबर मिली है आपने इसे ब्लॉक करते समय, तो उस आईडी को डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, पूछा जाएगा रीजन अनब्लॉक का क्या है, क्या यहाँ से रिकवर बाय पुलिस, रिफंड कर दिया गया सेल्फ खुद के द्वारा, फिर ब्लॉक बाय मिस्टेक हो गया है या फिर कोई अदर रीजन है। जिस भी रीजन से आपको ब्लॉक रहेगा आप उसको रीजन को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिकवर करा दिया गया पुलिस के द्वारा, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फोन भी यहाँ से रिकवर हो जाएगा। और फिर अगर आप यहां से कंप्लेंट कर दिए और उसका स्टेटस को ट्रैक करना चाहते हैं, स्टेटस क्या है, आप यहां से चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करके आप उस स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट कितनी, जो आपने एक एप्लीकेशन लगाया हुआ है उस पर कितना वर्क हुआ है, तेज से आप आके उसे भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से तीनों काम कर सकते हैं। अगर आपका फोन गुम जाता है तो उसके लिए आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं, लॉस मोबाइल का यहां से लगा सकते हैं, फिर आप यहां से मोबाइल को अनब्लॉक कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहां से अपने यहां से रिक्वेस्ट आईडी नंबर डालेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा, आपको एप्लीकेशन कितना वेरीफाई किया गया है, कितना उस पर काम हो रहा है। सो फ्रेंड ये है, अगर आपका मोबाइल गुम जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो कैसे आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, मैंने डिटेल में प्रोसेस दिखाया हुआ गाइस। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, मन में कोई सवाल रह गया हो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फ्रेंड और टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है तो जाके फॉलो करें, मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे यहाँ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई देने की 100% कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव लाता रहता हूँ वीडियो नोटिफिकेशन पहले आपको पहुंचेगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।